नमस्कार, मैं हूं आकाश। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। एटा से 6 बार के पूर्व सांसद महादीपक सिंह साग के पंचतत्व में विलीन। कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने की अंतिम यात्रा में सहभागिता। भारतीय जनता पार्टी के एटा से 6 बार सांसद रहे महादीपक सिंह साग के हांडा सिंह का लंबी बीमारी के चलते आगरा के एक अस्पताल में निधन हो गया है। वे 102 साल के थे। उनकी मृत्यु पर भाजपाइयों में शोक की लहर दौड़ गई है। स्वर्गीय पूर्व सांसद एटा का पैतृक गांव अलीगंज में अगौनापुर है। बताया गया है कि वे काफी समय से बीमार चल रहे थे। स्वजनों द्वारा उन्हें आगरा के रेनबो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने मंगलवार को आगरा अस्पताल में अंतिम सांस ली। निधन के बाद भाजपाइयों में शोक की लहर दौड़ गई है। उनके शव को एटा लाया गया। बताया गया है कि उनका अंतिम संस्कार गार्ड ऑफ ऑनर देने के पश्चात हुआ है। यहाँ शव पहुंचने पर निधन की खबर सुन भारतीय जनता पार्टी के अलीगंज विधायक सत्यपाल सिंह राठौर, अलीगंज SDM राजीव पांडे, क्षेत्राधिकारी अजय कुमार, वरिष्ठ नेता प्रदीप कुमार गुप्ता, सांसद प्रतिनिधि मुन्ना लाल वर्मा, मेघ सिंह साग के अर्जुन कश्यप, डॉक्टर प्रसादी लाल सहित बड़ी संख्या में भाजपा व अन्य पार्टियों के नेतागण उनके अंतिम दर्शन करने के लिए उनके पैतृक गांव अगौनापुर पहुंचे। प्राइम न्यूज 24 से विकास दुबे, ब्यूरो एटा की रिपोर्ट। चुनाव परिणाम घोषित हुए, NDA को जो है पूर्ण बहुमत मिला है, और जो है चुनाव में जिस तरीके से पूर्व बहुमत मिला, क्या लगता है कि नीतीश जी वहां मुख्यमंत्री होंगे या बीजेपी की तरफ से कोई नया चेहरा होगा? देखिए, उस पर किसी प्रकार का कोई संदेह और संशय नहीं होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नड्डा जी, माननीय गृहमंत्री और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी शारीरिक रूप से इस बात का खुलासा कर दिए हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही होंगे। इसलिए किसी प्रकार का प्रश्न, संदेह, सवाल का कोई प्रश्न नहीं होगा।